यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा, इसे अभी रोकना पड़ेगा। मुझे आज उम्मीद थी कि वो आज रामलीला मैदान में अपने दोनों बच्चों को लेकर आते और उनके सर पर हाथ रख के कहते कि हाँ ये 52 करोड़ रुपए कहाँ से हैं मैं आज बताऊंगा, ये 8 लाख का पर्दा या 6 करोड़ का इजरायली वो वियतनामी पत्थर। मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि यह केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला यह मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा, इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। केजरीवाल, जिन बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, मुझे आज उम्मीद थी कि वो आज रामलीला मैदान में अपने दोनों बच्चों को लेकर आते और उनके सर पर हाथ रख के कहते कि हाँ ये 52 करोड़ रुपए कहाँ से हैं मैं आज बताऊंगा, ये 8 लाख का पर्दा या 6 करोड़ का इजरायली वो वियतनामी पत्थर, 15-15 बाथरूम, उस बाथरूम में लगने वाले 4-4 लाख के पॉट, उन बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते ना दिल्ली की जनता को।